तुम्हारी भी अनुमति नहीं है ना तुम्हारी ताकत कि तुम जाकर मोदी के सामने ऐसे करके माइक लगा। महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। 70 साल राज किया था इस पे भारत पे, और कांग्रेस का ये हो गया था कि हमें कोई बदलने वाला ही नहीं है। घमंड आ गया, घमंड। मोदी जी तो कहता घमंडिया, वो भी तो गए घमंडिया। भगवान राम ने खुद कहा था कि मैं हर व्यक्ति के अंदर हूँ, मुझे मंदिर में ढूंढने से क्या फायदा, व्यक्तियों में ढूंढो ना। मैं अपने बाप को बाप कहूंगा, महंगाई मुझे दिख रही है, मुझे औरों से मतलब नहीं है, क्योंकि राशन मुझे लाना है अपने घर का पालन को। लेकिन विकास तो दिखाई नहीं दे रहा ना यार। विकास किस चिड़िया का नाम है? विकास तुम्हारा नाम है जी? तुम्हारा नाम है विकास? बताओ किसका नाम है विकास? 9 साल कैसे रहे मोदी जी? 9 साल कैसे अच्छे रहे? मेरे जैसे युवा आज है 50 घटे हुए हैं। किसी से ये पूछ लो यूपी पुलिस क्लियर हुई? SSC GD में जो 6000 वैकेंसी है 4000 क्लियर हुई, आपको पता है? 2000 छोड़ दिए गए पद, और यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 3 बार फेल हो चुका है। एक बार 15 जनवरी हुआ, ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल हुआ, उसके बाद अब फिर 15 अगस्त हुआ था। पकोड़े तलिए, पकोड़े मेरे माँ बाप ने मुझ पर 5 लाख रुपए खर्च करके पकोड़े तलने के लिए पढ़ाया था मुझे। मोदी जी ने भी तो चाय बेची थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। आपने देखा था मोदी जी को चाय बेचते हुए? अरे नहीं, आपने देखा था? चलो इनका उम्र नहीं था, और पत्रकार भी तो थे। एक फोटो दिखा दीजिए चाय बेचते हुए की। आप अरे फिर बोलते क्यों हैं? क्यों मैंने चाय बेची थी? कब चाय बेची उन्होंने? 6 साल उन्होंने भीख मांगी, 12 साल उन्होंने रेल में भिक्षा मांग के खाई, उसके बाद फिर चाय बेची, फिर MBBS भी किया, फिर BCOM भी किया, फिर कहाँ से किया? रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। और आप ऐसे लोगों से रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें परिवार का मतलब ही नहीं पता? परिवार देश के लिए छोड़ा है। देश के लिए छोड़ा है? अरे अगर त्याग दिया। अच्छा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, देश भी त्याग दिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, देश भी त्याग दिया। उनका मतलब है कि ठनठन गोपाला रटो मेरे लाल। तरक्की नहीं देख रहे आप? क्या तरक्की हुई है? मान है चांद पे? अच्छा, उससे पहले मंगल पे भी तो पहुंचा था देश? चांद पे कब पहुंचा? जब इसरो था। इसरो किसने बनाया अभी? क्यों फिर आप मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप मोदी का क्रेडिट क्यों दे रहे हैं जब इसरो की स्थापना उसने की थी? तरक्की उस समय पे भारत की हुई थी जब भारत आजाद हुआ था, कई सौ मिलियन का कर्जा था भारत पे, फिर भी IIT बने, इसरो बना। तो ये तरक्की उन लोगों की है जिन्होंने इसकी नींव करके गए थे। विकास तो अब तेजी से बढ़ रहा है जब से बात। विकास किस चिड़िया का नाम है? मुझे उसका तो नाम बता दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं पहले भारत रेंग रहा था। कब? जब भारत की GDP 13.5% थी, जब वो रेंग रहा था। अगर -3% है तो रेंग कब रहा था अब बताओ मुझे। अरे भारत का नाम? नहीं, मुझे इस चीज से मतलब नहीं, आप GDP का बता दो ना मुझे। भारत का नाम हो रहा है विदेशों में भी। कैसे नाम हो रहा है बताओ? पैर छूते अरे यार, एक समय वो था राष्ट्रपति, आज पैर छू रहे ना भारत का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। उसकी अमेरिका की संसद में खड़े होकर भाषण देते थे, और पूरे मतलब उसके यूनाइटेड स्टेट के जितने भी देश उसमें अंदर हैं वो सब उनकी बातें प्यार से सुनते थे। मोदी जी आज राष्ट्रपति को पूछते भी नहीं है। मणिपुर में जो घटना हुई वो दलितों का पद ऊंचा करने के लिए हुई? अगर वो मेरी बेटी के साथ होती या मोदी जी की बेटी के साथ होती तो क्या उससे मोदी जी का कद ऊंचा होता? आज अभी कश्मीर में जवान शहीद हुए थे, मोदी जी उस दिन रैली कर रहे थे, क्या उससे मोदी जी का सीना चौड़ा हुआ? अरे और क्या मतलब है, मैंने मुखिया चुना है मोदी जी को, तो मैं सवाल मोदी जी से करूंगा? मैं चाटुकारों से सवाल क्यों करूं? 18 घंटे काम करते हैं लोग। अरे यार 18 घंटे काम करते हैं आदमी, 6 घंटे पढ़ तो पाता नहीं, 6 घंटे अच्छी जगह बैठता नहीं, वो 8 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे क्या काम करते हैं? अरे बात बताने के नहीं, क्या हित? जिसको एक बी नहीं आता वो क्या क्या हित करेगा? काम करते हैं देश को लूटने के हित में, काम करते हैं अंबानी और अडानी को भरने के लिए, कि सारा कुछ देखता हूँ कि कहाँ कहाँ बच रहा जो बेच दूं इनको। हाँ, इस काम को करते हैं वो, और कोई काम कर रहे हैं नौकरी वो आ गए। मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, वहाँ पे फौजी मरे तो उनके लिए आकर कॉन्फ्रेंस पे बोलना चाहिए, कुछ तो बोले आकर। हथियार है ट्वीट करने का, नेताओं के पास हथियार था ट्वीट करने का, मोदी जी ने ट्वीट भी नहीं किया, वो जवान शहीद हो गए। कम से कम श्रद्धांजलि तो देते। देखिए ना, पुलवामा के बाद बदला लिया था मोदी जी। क्या बदला लिया था मानी? क्या 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 बदला लिया था? 300 का नाम लेके एक भी ना, क्या बदला लिया था बताओ, किससे बदला लिया? आप देख लो, पाकिस्तानी की बात सुन लो। मेरे फोन पे एक बार कॉल आई थी, आती तुम्हारे 25 करोड़ रुपए मिले, इनाम निकला आपका, तो तब मैंने वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात करी, मुझे दिखा कि ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी, तेरा बाप मोदी है ना, वो भी आके हमारे यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब मेरे को पता लगा, मैंने कहा अभी तो तुम्हारे 300 मारे। कह लगे किस कुत्ते ने 300 मारे? मैंने कहा हम हिंदुस्तानियों ने 300 मारे तुम्हारे। कह लगे एक भी ना मारा हमारा तो। अरे उस दिन ही पता लग गया। मोदी मोदी, अरे भाई साहब रोड डेली छपवा दूं, और तुम्हारी भी अनुमति नहीं है ना तुम्हारी ताकत कि तुम जाकर मोदी के सामने ऐसे करके माइक लगा दो। किसी का पत्रकार के बस की रहा कि मोदी के सामने ले जाओ? आज तक ऐसे अरे ऐसे तो देखो, जिन लोगों की जरूरत है ना उन लोगों को वहाँ पर पहुँचाया जा, ऐसे तो ये कितने भी बुलवा लेगा। नाना पाटेकर को भेजा वहाँ, अनिल कपूर को भेजे, ऐसे आदमी होने चाहिए। ये बताओ मुझे, देश कब ग्रो करता है? देश की उन्नति कब होती है? आप बताओ, देश की उन्नति तब होती है जब देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश का गरीब उन्नति करता है।
और देश की उन्नति जब नहीं होती जब देश के अमीर लोग कौन माला माल हो गया अभी अभी कुछ दिन पहले ये भर के चल रही है यहाँ आधे लोगों को रोटी भी ना मिली खाने को रोटी दे रहे मोदी जी। अरे यार राशन अच्छा अभी अब 5 किलो राशन अभी मिल रहा पहले राशन नहीं मिलता था पहले तो सिलेंडर 450 का भी मिलता था आज जो 1100 का मिल रहा है जितने मजदूर खड़े होंगे 500 रुपये मजदूरी करते होंगे और यार सिलेंडर में कितना विकास हुआ कितना विकास हुआ सिलेंडर में 450 मतलब अरे क्या देश हित के लिए महंगाई का देश हित के लिए जब होता जब ये चीज किसानों के कर्जा माफ करने में लगाई जाती जो बिटिया भी यहाँ पे देश का नाम रोशन करके संसद उसमें बैठी थी उनके हित के लिए लगाई जाती क्यों मुझे तो हॉस्पिटल चाहिए मेडिकल कॉलेज चाहिए मुझे तो IIT चाहिए मुझे तो IIM चाहिए मुझे हमारे आज का ये गरीब रोजगार भी MBBS चाहिए एक IITN चाहिए मुझे राम मंदिर से क्या फायदा अच्छा मैं राम को पूजने के लिए उनके मंदिर में जाऊंगा मतलब मैं अपने भगवान को मानने के लिए उनके मंदिर में जाऊंगा भगवान राम ने खुद कहा था कि मैं हर व्यक्ति के अंदर हूँ मुझे मंदिर में ढूंढने से क्या फायदा व्यक्तियों में ढूंढो ना भैया पहले से बहुत कुछ करा है बताओ रोजगार दर कितने परसेंट बढ़ी बता दो कौन ना कमा रहा आज की डेट में बता दो ऐसा वो कमाने के लिए गवर्नमेंट में बताओ कितने परसेंट रोजगारी बढ़ी कितने परसेंट बेरोजगारी भारत में भैया GDP कितनी परसेंट भारत की बढ़ी कितने परसेंट घटी बताओ ये बता दो GT कौन से कॉलेज बने कितनी परसेंट बढ़ी है बताओ देखो इस चीज़ की तो नॉलेज ना GT के बारे में भैया मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ हिंदू हमारा हिंदू धर्म है ना हम उसके लिए बिल्कुल नहीं सुन सकते ठीक है इनने बोला एक शब्द बोला जय श्री पढ़ना नहीं है पढ़ना क्यों नहीं पढ़ना 12th क्लास किया मैंने तो भाई मैंने ये बोला नहीं तीर मारा है मैंने बोला है कुछ बोला है क्या मैं अपने बाप को बाप कहूंगा महंगाई मुझे दिख रही है मुझे औरों से मतलब नहीं है क्योंकि राशन मुझे लाना है अपने घर का पालन को लेकिन विकास तो दिखाई नहीं दे रहा यार विकास किस चिड़िया का नाम है विकास तुम्हारा नाम है जी तुम्हारा नाम है विकास बताओ किसका नाम है विकास मोदी जी का नाम विकास है जब से दुखी मोदी जी का नाम मतलब विकास कर रहे हो तुम अच्छा मोदी जी तो अभी एक मोदी जी के उन्होंने कहा था कि मोदी जी तो हमारे लिए राम भी है राग भगवान का अवतार मोदी जी हैं अभी कुछ वहाँ के उन्होंने विधायक ने कहा था ना मैंने हर हर महादेव सुना है मैंने हर हर मोदी नहीं सुना मैंने हर हर महादेव सुना है मोदी है तो मुमकिन है क्या मुमकिन है देश की तरक्की किस चीज की तरक्की सर आने वाले 24 में जाने वाले 24 विधायक होने वाली कौन आएगा अब जो कोई तीसरा मोर्चा आएगा राहुल गांधी आएंगे हां भाई सिलेंडर सिलेंडर गांधी ने क्या ना करा राहुल गांधी यार जो लोग अंडाड़ियां मारी जे भर रहे हैं अंडाड़ियां मेरी कर्जा माफ कर गरीबों को सुन रहे हो 500 सिलेंडर 1100 सिलेंडर कर दिए तेल 180 कर दिए खाद 500 का 1100 कर दिए तो क्या मोदी जी देंगे भैया लेकिन रोजगार भी तो बढ़ा कोई रोजगार नहीं है भाई कंपनी 8,000-9,000 मिल रहा है क्या रोजगार बढ़ा है कुछ नहीं मिला रोजगार बताओ कोई रोजगार नहीं मिला भाई साहब हाँ कुछ नहीं मिला है कहाँ मिला है सर किसको रोजगार दिया है देखो पढ़ने में और लिखने में और तर्क वाली बातें करने में बहुत अंतर होता है सर जी आप मुझे ये बताइए 2014 में मोदी जी की सरकार आई एक कॉलेज हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज IIT या कोई ऐसी संस्था का नाम बता दीजिए मोदी जी ने बनाया हो उसका शिलान्यास मोदी जी ने किया हो आप तो पत्रकार बन आने से विश्व में दंगा तो बज रहा है उस चीज का मतलब मुझे नहीं है मुझे अपने देश की तरक्की से मतलब है मेरे देश के युवाओं से मतलब है मुझे औरों से मतलब नहीं है आप मुझे ये बता दीजिए कितने कॉलेज मोदी जी ने बनवाए कितने परसेंट शिक्षा दर उसकी बनी कितने परसेंट बेरोजगारी घटी कितने परसेंट GDP बढ़ी कितने परसेंट GDP घटी मेरा सवाल वो नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया मुझे बस रोजगार से मतलब है शिक्षा से मतलब है बस इस चीज से मतलब है मुझे और चीज से मतलब नहीं है हमारा देश तरक्की जब करेगा जब देश के युवा तरक्की करेंगे और चीज से हमें मतलब नहीं है तो आप तरक्की नहीं हो रही है ये युवा तरक्की कर रहे हैं जो बेचारे 500 रुपये मजदूरी करा रहे हैं क्या बोले BEd करके आप बताइए मास्टर भी BEd खत्म कर रहे हैं मोदी जी क्या मतलब है BEd पे अभी हमला बोला ना मोदी जी ने या शिक्षा बोर्ड वालों की पद्धति अच्छी है कि जो बंदा 50-52,000 रुपये देकर BEd करता है और वो क्या बोले टीचर लाइन से BEd करता दें जो कि मास्टर डिग्री है तो आपको लगता है कि सरकार बदल सकती है बिल्कुल लगेगा अगर जनता चाहेगी तो सरकार बिल्कुल पलटेगी राहुल कांग्रेस 70 साल राज किया था इस पे भारत में और कांग्रेस का ये हो गया था कि हमें को बदलने वाला ही नहीं है घमंड आ गया घमंड मोदी जी तो कहते घमंडिया वो भी तो गए घमंडिया वो भी तो गए मोदी जी का भी अब यही हाल हो गया जिसके विपक्ष में किसान खड़े हो गए वो सरकार चली गई लेकिन लगता है देश की जनता अभी मोदी जी को चाहती है अरे चाहने से कुछ नहीं होता चाहने से क्या होता है चाहने का मतलब पसंद करने में और चाहने में बहुत अंतर होता है चाहने का मतलब दोबारा लाए चाहती तो कनाडा वाली वो भी है जो अभी आई थी चाहती तो वे भी है अरे उसकी बात देश के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मोदी जी का क्या हाल करा जा रहा है एक हमारा सम्मानित आदमी जो भारत में दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रपति के बाद मोदी जी आते हैं उन लोगों की मीम बना बना के डाली जा रही है आप देख रहे हैं ना मीम एक अलग नहीं नहीं सोशल मीडिया सबसे ज्यादा राहुल गांधी की मीम बनी राहुल गांधी क्या बोले उससे ऑक्सफोर्ड से वो करके आया ग्रेजुएशन उसकी मीम क्यों बन रही मोदी जी पे उसका इंटरेस्ट ना निकलने का राहुल जी को अपने जवान पे भरोसा नहीं है कुछ भी बोल जाते हैं इतनी मीम बनी है मत पूछिए उसका बिल्कुल सही बात है अब मैं हूँ
10 लोग मुझे मिलकर पप्पू बोलने लगो तो मेरे मुंह से पप्पू निकल जाएगा, क्योंकि लोगों ने वो माहौल क्रिएट किया है। तो इससे लोगों ने माहौल क्रिएट किया है जिस कारण मेरे अंदर मानसिक दबाव आ गया है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूँ, इसे कहते हैं मानसिक प्रेशर। चाय वाले का कम मीम बना, विदेश से जो पढ़ के आया उसका ज्यादा मीम बना, तो बेवकूफ कौन, विदेश वाला? पढ़े लिखे लोग जो लोग मेरे बारे में अगर बात करते हैं, हंसी करते हैं, तो उसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा जमीर अभी जिंदा है, इसीलिए लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला मैदान में मैं खुद था, राहुल गांधी आटा को लीटर में तौल रहे थे, बताइए अब क्या बता। अरे राहुल गांधी को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, उन्होंने किसी का सहारा लेके पहचान नहीं बनाई। पिताजी के पहचान पे, दादी जी के पहचान पे बताइए। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पिताजी के दादाजी के, उन्होंने काम किए थे, IIT उन्होंने बनाया था, इसरो उन्होंने बनाया था, और ऐसे अन्य संस्थाएं उन्होंने बनाई थी जिन्होंने देश के हित में काम किया। जैसे कि आप बोल रहे हैं चांद पे झंडा लहरा दिया, वो इसरो की देन है, वो किसने बनवाया था? कांग्रेस ने। तो कोई भी पार्टी रहती कांग्रेस के अलावा तो करती, क्यों कैसे कर पाती आप बताइए? कांग्रेस नहीं, कोई और होती उस समय पे। ठीक है, आज की डेट में इतनी महंगाई हो गई है, एक बंदे का, सिंगल बंदे का, नोएडा दिल्ली NCR में अगर सिंगल बंदे का खर्चा उठा लो ना, तो 5 से 6 हज़ार रुपये मंथ का राशन। और लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई का जो कारण है जनसंख्या बढ़ना है, ये जनसंख्या तो जनसंख्या वृद्धि का एक सेकंड में हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि के लोग तो बता रहे कि महंगाई का कारण जनसंख्या वृद्धि, कंप्यूटर तो है नहीं, बटन सिस्टम तो है नहीं जो हो जाए, बटन सिस्टम तो है नहीं। आज की डेट में बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो नॉर्मल तबका है वो दबता जा रहा है, ऊपर वाला तबका उतरता जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कब घटेगी? जब लोग शिक्षित होंगे। तो शिक्षा के लिए मोदी जी ने क्या किया? तो बोला कानून ला, कानून भी ला, कानून से क्या होना, जनसंख्या का कम करोगे आप? है? कानून से कैसे जनसंख्या काम कर दोगे सर जी? चाइना का क्या जनसंख्या का? अच्छा आप चाइना को ही दुश्मन बना दे, उसकी यहाँ क्या बोले वो लॉन्च करोगे? लॉन्च नहीं यार, एक बात तो टिको, जनसंख्या कम करने के लिए शिक्षित बन, बस शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसा, एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, अम्बेडकर जी ने। एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है देश के लिए, और आप लोग, मेरी विनय निवेदन यही है कि जो भी BJP का समर्थक करे उसे सबसे पहले यही पूछा जाए कि देश के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, या हमारे जवानों के लिए मोदी जी ने क्या कहा है? बस अभी नहीं सुना, आपके बीच में एक लड़का आया था, बोला धर्म के नाम पे बोलोगे तो हमको बुरा लग जाता है। मैंने क्या की बात, मैंने अपने आपको क्या बताया जब मैं आया था? मैंने क्या बताया कि मैं सनातनी हूँ। तो धर्म के बारे में मैंने क्या बताया कि मैं उस धर्म से आता हूँ जिसमें भारत का उद्गम हुआ था, जिससे सनातन धर्म जब से है जब भारत उद्गम हुआ था, तो मैं उस धर्म से आता हूँ। मुझे किससे क्या डरने की जरूरत है? मुझे अपने माता पिता या अपने भगवान को पूजने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है। मैं अपने प्रभु को खुद पूजता हूँ, अपने अंतर मन से मानता हूँ। मोदी जी चला रहा है, मैं बैंकर था 12 साल से, बैंक से नौकरी छूटी लॉकडाउन के बाद, आज की डेट में 8 घंटे की 10,000-12,000 की सैलरी पा रहे, दो ड्यूटियां पकड़ रहे, फैमिलियां चला रहे, दो बच्चे, आप कह रहे कम बच्चे सुखी परिवार, आज की डेट में क्या दो बच्चे वाले क्या दूसरा बंदा पैसे दे देगा? एक बच्चे पे 8,000-9,000 रुपए का खर्चा है मंथली का, गवर्नमेंट इस चीज पे। लेकिन देश का युवा खुद ही सीरियस नहीं है, वो बोल रहा है देश का युवा क्या कर रहा है, 8वीं 9वीं पढ़ करके किसी पार्टी का झंडा उठा लेता है, यही तो बेवकूफी, धर्म का झंडा उठा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भीड़ तंत्र है, हमारे यहाँ क्या है, भीड़ इकट्ठी करनी, जिस बंदे ने उसी ने सत्ता हत्या ली। आज की डेट में यही समस्या है, जात बात पे वोट पड़ता है, धन आवाज पे वोट पड़ता है, भीड़ पे वोट पड़ता है, विचार नहीं होता है, यही तो इंडिया की प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर ली, रामलीला मैदान भर दिया, हारे BJP वालों की इतनी जबरदस्त कहानी है, BJP वालों ने रामलीला वोट भर दिया, लेकिन परिस्थिति अपनी खुद की नहीं देखता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे। आदमी अपनी परिस्थिति देख करके वोटिंग करेगा आपकी बार, ये हकीकत है, हकीकत में बदलाव होगा भाई साहब, हकीकत में बदलाव होगा इस चीज़।